अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कौसर, रूटीन स्किल चैनल में खुश आमदी जी। व्यूअर्स, आप जो मुझे देख रहे हैं ग्लैमर ब्यूटी पार्लर में, जो आज जो मैं आपको जो है वो डेमो देने वाली हूं, कट डाउन कैसे किया जाता है। तो कट डाउन के बाद जी हम जो है वो एक कैमल कलर का लगाएंगे, ब्राउन कैमल कलर का ऊपर कलर भी करके दिखाएंगे। तो कट डाउन किस तरह किया जाता है वो मेरे बहनें जो घर में करना चाहती हैं, या वो मेरी बहनें जो पार्लर में नया नया काम सीख रही हैं, तो उनको जो है ये उनके लिए ये आज वीडियो तैयार कर रही हूँ कि आप जो है वो किस तरीके से कट डाउन कर सकती है और प्रोडक्ट जो है वो कौन कौन से यूज़ होते हैं। हाँ जी, सबसे पहले जो आपको चाहिए वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है कट डाउन के लिए आपको 40 नंबर का चाहिए। और जी इसके अलावा आपको जो है ब्लॉन्डर यानी कि पाउडर जो है वो स्ट्रॉन्ग वाला चाहिए। तो क्वांटिटी कितनी है, तो ये है कि मैं जो है वो एक चम्मच इसमें भर के डाल रही हूँ। और जी इसके जो है डबल रेशो में आपने वॉल्यूम डालना है। वॉल्यूम क्योंकि हम 40 का डाल रहे हैं, क्योंकि कट डाउन में जो है वो 40 का वॉल्यूम ही इस्तेमाल होता है, तो ये हम डबल रेशो से डालेंगे। ये 2 चम्मच जो है ये हमने डाल दिया। इसकी मिक्सिंग जो है हमने अच्छे तरीके से, हाँ जी, तो आपने जो है इस मिक्सचर को जो है अच्छे तरीके से मिक्स करना है, जब तक के इनके छोटे छोटे ज़र्रात जो हैं वो ख़त्म ना हो जाए, तब तक आपने इस मिक्सचर को जो है आपने मिक्स करते रहना है। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि अभी ये डेमो जो है मैं छोटे बालों पे देने वाली हूँ, जो कि हमारे पास इस वक्त ये लेट की सूरत में है। तो ये है कि हमने जो है बड़े बालों यानी कि हम किसी मॉडल को भी नहीं दिखा रहे, जब हमें ये मौका मिलेगा तो वो भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले जो है जी आपने उसको अच्छी तरह मिक्स करके ये जी नीचे आपने लाजमी लगाना है, ताकि हमारा जो कलर है वो ठीक तरीके से जो है वो आए। तो जी, तो आपने जो है इस मिक्सचर को अच्छे तरीके से बालों में लगाना है, ताकि ये जो हमारा कट डाउन होने वाला है इसका जो है रिज़ल्ट अच्छे तरीके से आए। ये सारी जो मैंने मिक्सचर बनाया है, तो इसको हमने सारा का सारा लगाना है, ताकि ये जी हमारा जो है ये सही तरीके से रिज़ल्ट आए। तो अब हमने जो है इसको 40 मिनट के लिए जो है वो रख देना है। और जी हमने 40 मिनट के बाद इसका रिज़ल्ट जो है वो चेक करेंगे, तो मिलते हैं 40 मिनट के बाद। जी व्यूअर्स, तो हम जो है वो खोल के देखते हैं कि हमारा कलर जो है वो कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि ये 40 मिनट के बाद मैंने देखा तो कलर उस पर सही नहीं आया था। तो 10 मिनट के लिए मैंने जो है वो और वेट किया, तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत और जी बहुत ही ये प्यारा कलर आया है। ये देखें आप ये, तो अब जी हम इसको जो है वो पानी में डाल के जो है इसको हम धोएंगे, और जी अच्छे तरीके से जो है प्रोडक्ट को आपने अच्छे तरीके से उतार देना है। ये प्रोडक्ट आपके बालों में जो है वो कहीं भी ना रहे। ये देखिए कितना खूबसूरत, जी व्यूअर्स ये देखिए कितना खूबसूरत और प्यारा कलर आया है, कि अगर आप जो है इस पर और कलर ना भी करना चाहे तो भी जो है ये येलो इतना नहीं है, येलो पिगमेंट इसमें इतनी नहीं आई है, तो इसका खुद का अपना कलर है। लेकिन क्योंकि हमने इस पर और कलर भी ऐड करना है, तो वो हम आपको दिखाना है।
हाँ जी व्यूअर्स, तो अब हमने जो है कैमल ब्राउन जो है वो इस पर कलर करना है। तो ये देखिए मैं इसका जो है आपको नंबर बताती हूँ, ये जी इसका नंबर है 990। तो ये जो है ट्यूब हम निकालेंगे और इसका जो है वो रेशो हम बनाएंगे। इसका रेशो कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। तो जी सबसे पहले जो है आपने इसको निकाल जी, तो आपने जो है थोड़ा सा जितने हमारे बाल हैं जी उतने हमने उतना कलर जो है वो हमने लेना है। और इसको जो हमने जो है 40 वॉल्यूम के साथ जो है मिलाना है, क्योंकि कलर जो है हमारा ऑलरेडी इतना प्यारा आ चुका है तो हमें ज़्यादा कलर देने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने जो है वो बराबर की मकदार में ये लेना है। ये देखिए जी, ये 20 वॉल्यूम के साथ आपने ये रेशो बनाना है। और जी आपने इस कलर को जो है वो अच्छे से मिक्स करना है, और मिक्सिंग जो है इसकी आपने अच्छी करनी है। जब तक ये मिक्सिंग अच्छी नहीं होगी तो कलर वैसे अच्छा नहीं आएगा। तो देखिए जी, ये हमारा कलर जो है वो मिक्स हो चुका है। तो अब जो है कलर जो हमने इस पर जो है जी लगाना है। हाँ जी, ये देखिए व्यूअर्स, वैसे ये बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत कलर आया हुआ है। तो इस पर तो है मैंने जो है कैमल ब्राउन कलर इस पर लगाया है। और जी ये हमने जो है ये कलर जो हमने लगाना है, तो ये 20 मिनट के लिए हमने लगा के छोड़ देना है जी। 20 मिनट के बाद जो है जब ये कैमल ब्राउन कलर आएगा तो ये देखेंगे कि हम जो है वो किस तरीके का कलर आता है। तो ये हमने जो है इस पे लगा दिया है। तो अब हम जो है इसको 20 मिनट के बाद जी धोएंगे तो आपको कलर दिखाएंगे कि वो कैसा आया है जी। व्यूअर्स ये देखिए, ये जो है तकरीबन 15 मिनट में इसका जो है वो रिज़ल्ट आ चुका था। ये कैमल ब्राउन कलर जो है वो इस पे जो है वो चढ़ चुका था, तो इसलिए जो है हमने 15 मिनट के बाद जो है इसको वॉश किया। और जी इसको जो है आपने अच्छे तरीके से ये वॉश, अच्छे तरीके से जब वॉश करें तो ये देखिए जी इसका जो है, ये नज़दीक से मैं दिखाऊं, ये ऊपर लाइट की वजह से जो है ये येलो पिगमेंट दे रहा है, लेकिन ये जी कैमल ब्राउन कलर है। इसमें जो है ये बहुत ही प्यारा कलर आया हुआ है। ये जो है कलर जब ये सूख जाएगा जी व्यूअर्स, ये देखिए ये मुकम्मल जो है धोने के बाद हमने ब्लो ड्राई किया इसको, जो है हमने इस कलर पे जो है वो कैमल ब्राउन कलर पे जो हमने काम किया, तो तकरीबन जो हमें है वो रिज़ल्ट मिल चुका है। तो ये देखिए ये जो है इसका रिज़ल्ट इस तरीके का है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत और प्यारा कलर आया है। ये देखिए व्यूअर्स, ये देखिए। तो नेक्स्ट वीडियो में भी लेंगे इंशाल्लाह। मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और जी मेरी इस वीडियो को जो है शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।